जी, अब थर्ड कैटेगरी कूलेंट की, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी HOAT। उसके लिए भी वेरी सिंपल, हमने 43.9% पानी लिया जो कि 110 ml हमारा बना, 110 ml, और उसके अंदर सोडियम मेटासिलिकेट 5 ग्राम, सोडियम मेटासिलिकेट ये हमने 5 ग्राम डाल दिया। इसको हल कर लेंगे हम। प्रिजर्वेटिव हम पहले ही डाल लेते हैं, बाद में थोड़ा डिसॉल्व करने का इशू आता है। और विड्यूपोलॉजी हमने जो ऑर्गेनिक एडिटिव आपको दिखाया था उसमें हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाल सके थे, तो वो 0.1% प्रिजर्वेटिव उसमें भी ऐड हो जाएगा। ये सोडियम बेंजोएट ये इसके अंदर हमने ऐड कर लिया, उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर ट्राई सोडियम फास्फेट वो हमने ऐड कर लेना है, जस्ट 0.5%। और सोडियम मेटक्स सिलिकेट भी हमने 0.5% डाला, और TSP भी इसके अंदर हम 0.5% जो कि 5 ग्राम बन रहे हैं वो हम अप्रॉक्सीमेट भी इसमें डाल देते हैं। इसको हल कर दिया। बोरेक्स 5% वो भी ऐड कर देना है इसमें हमने। .5% बोरेक्स इसको भी हल कर दिया। इनऑर्गेनिक रस्ट, चूंकि हाइब्रिड है उसमें इनऑर्गेनिक रस्ट पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिक पार्ट की तरफ। PCA इसके अंदर वो अगेन बहुत सिंपल है, 1.5% जो कि हमारा 3.75 ग्राम बन रहा है, अप्रॉक्सीमेट डाल देते हैं 1.5%। ये हमने पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड ये इसमें हल कर दिया। और TTNA टोलीट्राइजोल 0.3% जो 1 ग्राम का भी थोड़ा सा बनता है हमारा, येलो मेटल पेसिवेटर पहले हम बता चुके हैं इसकी सारी केमिस्ट्री, सारी डिटेल आपको। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA 2.5 ग्राम, 1% बन रहा है ये 1%। मिक्सिंग इनकी अच्छे से कर दी। और एंटी फोम इसमें लगा देना। एंटी फोम भी वही 0.1%। जिसकी pH कूलेंट की चेक कर लेते हैं, हाइब्रिड की HOAT टेक्नोलॉजी जो है इसकी pH इस वक्त है तकरीबन 10। तो हमें अगर मज़ीद नाम भी लगाएं TEA तो तब भी हमें ये रिक्वायर्ड, हमारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो रही है। और अगर थोड़ी प्रोटेक्शन हम देना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि एमाइंस की अपनी भी एक प्रोटेक्शन होती है, तो वो हम इसकी क्वांटिटी को और मज़ीद कम करके TEA इसके अंदर जस्ट 0.5% जो है 0.5% TEA वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड pH हमें अचीव हो चुकी हुई है। जस्ट सेफ साइड पे अपने प्रोडक्ट को और अच्छा, इसकी कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वैसे भी ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ब्लेंड है, ये हमें एंटी रस्ट की बहुत अच्छी इसमें करेक्टरिस्टिक मिलेंगी। और नाउ लास्ट जो हमारा एडिटिव है वो एंटी फ्रीज का मोनोथैलिन ग्लाइकोल 50%, 125 ग्राम बन रहा है हमारा ये जी। प्रोडक्ट हमारा तैयार है, इसका कलर थोड़ा सा हमने अब डिफरेंट रखना है और इसको येलो कलर में
येलो कलर कोड में इसको दे देते हैं। आज हमारा ये प्रोडक्ट भी तैयार हो गया और एक कलरफुल किस्म का एक्सपेरिमेंट आज हुआ हमारा। इसका भी कूलेंट टेस्टर से इसको भी टेस्ट कर लेते हैं हम जी। जी इस वक्त ये वन ट्वेंटी एट डिग्री सी बॉइलिंग, जो कि 262 डिग्री फारेनहाइट बन रहा है, और नीचे माइनस में -20 डिग्री सी एंड -29 डिग्री फारेनहाइट। एक्सीलेंट प्रोडक्ट। आपको तीनों प्रोडक्ट अब हम इकट्ठे दिखा देते हैं बहुत अच्छे कलरफुल कॉम्बिनेशन के साथ जी। ये हमारा इनऑर्गेनिक एडिटिव कूलेंट और ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड एडिटिव कूलेंट और ये हमारा हाइब्रिड। और हमें थिकनेस इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर कोई इसको थोड़ा सा थिक करना चाहे तो नेट्रोसोल इसके अंदर 0.1% दिया जा सकता है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमें इसको मज़ीद थिक करने की ज़रूरत है। मार्केट में इस ही फ्लो में, इसी ही टेक्सचर में ये कूलेंट्स मिल रहे होते हैं। और अमूमन इनऑर्गेनिक एडिटिव IAT तो पाकिस्तान की मार्केट में कॉमनली पाया जाता है। जो हमने ये कूलेंट की फॉर्मुलेशन डिस्कस की, ये कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन ऑर्गेनिक और स्पेशली हाइब्रिड। और ऑर्गेनिक में भी चूँकि हमने बड़े स्पेशलाइज्ड किस्म के इसमें एडिटिव डाले हैं, तो जो हमारी गाड़ी की वैल्यू है उसके हिसाब से ये महंगे नहीं हैं। और बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी की सारी हमने डिटेल खोल के आपको दिखा दी। और इस पर अगर किसी दोस्त को कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरा ये मोबाइल नंबर अवेलेबल है। और बस दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि इसमें वॉइस मैसेज कर दिया करें, और मैं जिस वक्त भी अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह अपनी सी कोशिश से इंशाल्लाह हर जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।